नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। पंजाब की सत्ता में भले ही अब कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा मौजूदा मुख्यमंत्री से भी ज्यादा होती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कभी गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के कारण सुर्खियों में रहते हैं, तो कभी पीएम मोदी की तारीफ करने के कारण। यही नहीं, कई बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को भी अमरिंदर सिंह ने अपने निशाने पर लिया, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में बने रहते हैं। यहाँ बीते रविवार से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री का एक इंटरव्यू का हिस्सा खूब वायरल हो रहा है, जहाँ उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर एक सनसनीखेज खुलासा किया, जिसके बाद पंजाब समेत देश के सियासत में हंगामा मच गया। आपको बता दें कि इस इंटरव्यू के दौरान अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर भी तीखा हमला बोला है। अब वैसे तो सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच खींचतान काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। यहाँ पंजाब कांग्रेस में ये खबरें भी काफी सुर्खियों में रही, जहाँ नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर कई सदस्य शिकायत कर रहे थे कि सिद्धू हर किसी से जुबानी जंग खेल रहे हैं। इस बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि सिद्धू और पंजाब के मौजूदा सीएम के बीच भी तकरार की खबर अब पुरानी हो चुकी है। इन सब में अब पंजाब के मुख्यमंत्री के इंटरव्यू से हंगामा मच चुका है, जहां उन्होंने पंजाब के सीएम पर आरोप लगाते हुए बताया कि वो एक महिला आईएएस को रात में फोन करके परेशान करते थे, जिसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, एक बार जब मैं रात में घर आया तो दो आईएएस पति पत्नी मेरे घर में बैठे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें बात करनी है। मैंने कहा बताए। वो बोले कि ये जो चन्नी है, जब मैं रोपड़ में एसडीएम थी, मुझे ये तंग करता था, रात के 1-2 बजे फोन करता था। मैंने कहा कि ये तो बहुत बुरी चीज है। मैंने अगले दिन चन्नी को बुलाया और पूछा कि तू ये बात करता है क्या ऑफिसर्स के साथ। पहले मुकरा, फिर बोला मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा जा उनसे माफी मांग करा, अगर वो दोनों माफी देते हैं तो ठीक, वरना मुझे एक्शन लेना होगा। तो ये गया और उन्होंने माफी दे दी। लेकिन ये सवाल कि ये मीटू का हिस्सा था या नहीं, ये तो साफ ही है अधिकारियों ने जब बोला है तो। यहाँ अमरिंदर सिंह के इस बयान के बाद सियासत में खलबली मच गई। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगे इस इंटरव्यू में कहा, अगर इस मामले में महिला अधिकारी चन्नी को माफी नहीं देती तो फिर वो कोई बड़ा एक्शन लेते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीएम चन्नी के अलावा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर भी हमला बोलते हुए कहा, उनके पास कोई दिमाग नहीं है। उन्होंने 5 साल पहले इस आम व्यक्ति को पार्टी में शामिल नहीं करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को सलाह दी थी। बता दें कि यहाँ इस राजनीतिक भूचाल के बाद सीएम चन्नी पर चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं, जबकि पंजाब के सीएम की तरफ से भी अभी तक कोई सफाई नहीं आई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहिए एचसीएन न्यूज़। धन्यवाद।